अब यहाँ से कुछ अपनी गुजारिशात पेश करता हूँ। माता मौलाना फरमाए यहीं से कि उसूलों पर जहाँ आज आए टकराना जरूरी है। तरन्नुम से पढ़े साहब, जहाँ आज आए तरन्नुम से जाओ, तरन्नुम से जरूरी है। मिसरा दे रहा हूँ, उसूलों पर जहाँ आज आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत खूब। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और ये घर घर का कर्म जो टीवी कल्चर के जरिए पहुंचा है पूरे बड़े शरीर और जहां जहां हम अशरफ के लोग हैं, घुमाएंगे उसूलों पर जहां आता है टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। वाह वाह, क्या मिसरा है, सुने हजरा, क्या मिसरा। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है, कहां से बच के चलना है, कहां। बात खूब। पहली मरतबा कोशिश की है गजल में अस्तवाजी जिंदगी का एक पहलू गजल की जुबान में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हजरात अपनी खवातीन के साथ तशरीफ नहीं लाए हैं वो मेरा शेर ले जाए, इंशाल्लाह बहुत काम आएगा। मेरा फरमाए कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को आइए हुमायूमिया, या जिस ताल्लुक से आपसे मेरा ताल्लुक है उसी की कशिश थी कि मैं आज हाजिर हूँ, वरना हालात बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देते थे कि मैं घरेली छोड़ सकूँ। अगर आप रात की मोहब्बत फरमाए कि उसूलों पर जहाँ आता है टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। और वो शेर सुनिए कि थके हारे परिंदे जो बसेरे के लिए लौटे। वाह, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीका मंद शाखों का नचक जाना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीका मंद शाखों का वाह वाह नचक जाना जरूरी है। सलीका मंद शाखों का नचक जाना जरूरी है। और औरत का ना कहीं तसव्वुर है तो सिर्फ मशरिक में है, वरना मगरिब में तो औरत के नाम पर पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है। शेर मौलाना फरमाए इस मशरक की हुस्न की तमाम खूबसूरतियों के लिए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। थके हारे परिंदे जो बसेरे के लिए लौटे, सलीका मंद शाखों का लटक जाना जरूरी है। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। वाह वाह वाह, फिर सुन लीजिए मिसरा, कि बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, क्या कह रहे हैं, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। मोहब्बत में कशिश को शर्माना जरूरी है। और ये शेर भी मौलाना फरमाने के सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, पता नहीं कब से गहरियत चीख रही है मगर उसकी बहकानियत आज शेर सुनिए। ये सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। इतनी देर में आप शेर तक पढ़ते मैं तमाम अपनी जहानतों का, जिंदा जहानतों का सबूत दीजिए इसलिए शायरी आप तक पढ़ते पूरा रखते हैं और सामने हो तो सारा शेर पढ़ने में। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना, जो कहता है खुदा है तो उसे महसूस करने का, उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। और आखिरी शेर आपने बहुत हौसला दिया, बड़ी हिम्मत भारी आपने, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया।
आपकी जहानत को सलाम करते हैं, आपकी खेत पूरा एक्सिस्टेंशियलिज्म और वो मिसरे मेरे सुनिए कि सजीदा ये नहीं शायद उसे महसूस करने का जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया हजरत, बड़ी हिदायत कि आपने इस तरह से इंसान गहरा फरमाए।